नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का महाज्ञान प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी के नाथ, भोलेनाथ, शिव भगवान, उनको त्रिदेव भी कहा जाता है। तीन से क्या है उनका कनेक्शन, आज के महाज्ञान में हम इसी बात की बात करेंगे। आमतौर पर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी या उसे किसी को कहा होगा कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन तीन के अंक की माया को जानने के बाद आप इस कहावत के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे ये माया तो निराली है। क्योंकि देवाधिदेव महादेव को तीन का अंक सबसे ज्यादा प्रिय है। एकमात्र शिव ही हैं जिनके तीन नेत्र हैं, इसीलिए वे त्रिलोचन कहलाते हैं। देवाधिदेव महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्रोधाग्नि निकलती है, विनाश होता है। इसी क्रोधाग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। शिव के तीन नेत्र चर्म चक्षु यानी चमड़ी के, ज्ञान चक्षु यानी हमारे पास बुद्धि जो है उसको, और दिव्य चक्षु जो संजय के पास था, जिससे धृतराष्ट्र को महाभारत का पूरा सीन कमरे में बता दिया था। उनका दायां नेत्र सूर्य का प्रतीक, बायां नेत्र वो चंद्रमा का प्रतीक, और तीसरा नेत्र अंतर आत्मा का प्रतीक है। वे सत्व गुण, रजस और तामसिक गुण, इन तीनों के स्वामी, इसीलिए वे त्रिगुणाकारी हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं, यानी कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों की दृष्टा है। साथ ही तीनों कालों, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के स्वामी हैं। त्रिदेव हैं क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवाधिदेव महादेव के रुद्रावतार से ही उत्पन्न हुए। वे तीन अक्षर के मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रसन्न होते हैं। ओम मंत्र का जाप उन्हें प्रिय है और ओम में तीन शब्द अ, उ और म, ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। तीन ही तरह के शस्त्र हैं, नागफाश, सुदर्शन और त्रिशूल। शेष सारे शस्त्र इन्हीं से बनते हैं। तीनों पर शिव का अधिकार है। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होने पर शिव ने अपनी तीन जटाएं खोली, जिनसे गंगा अवतरित हुई और पृथ्वी पर तीन रूपों में जानी गई। अलकनंदा, भागीरथी और गंगा तीन ही तरह के जीव है पृथ्वी पर विचरण करने वाले, जलचर और गगनचरी यानी जमीन, अंदर और आकाश। इन तीनों पर शिव का अधिकार है, इसीलिए वे पशुपति नाथ हैं। तीन ही पुरियां हैं, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और कैलाशपुरी। मनुष्य की तीन अवस्थाएं हैं, सुसुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और चैतन्य अवस्था। तो बाल, युवा और वृद्ध तीनों शिव के अधीन है। शरीर में मुख्यतः तीन ही नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और तीनों पर शिव का अधिकार है। ज्योतिष में तीन ही गण है, देवगण, मनुष्य और राक्षस गण, तीनों पर शिव का अधिकार है। तीन ही तरह के रस है दुनिया में, खारा, मीठा और कसैला। और तो और उन्हें सर्वाधिक प्रिय बिल्व पत्र, उसमें भी तीन पत्ते हैं। और देवाधिदेव महादेव हमारे तीन जन्मों के पापों का नाश करते हैं। जब बिल्व पत्र शिव भगवान को चढ़ाया जाता है तो मंत्र पढ़ा जाता है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इसीलिए शिव को तीन का अंक इतना प्रिय है। आज से मत बोलिएगा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यह तो माया शिव की निराली है। इसलिए आप जब भी जिक्र करें तो भोलेनाथ की, शिव की, इन बातों का जिक्र जरूर करें। एक बार जरूर बोलें हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का प्यार हमारे परिवार के सदस्यों की तरह है। 11.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर और हर महीने 70 से 90 लाख के बीच में दर्शकों की संख्या, ये दर्शाती है कि आपका प्यार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें हमेशा भेजते रहें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। ग्रहों का खेल और सुरेश श्रीमाली यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष, आध्यात्म, यंत्र मंत्र और तंत्र के गूढ़ रहस्यों से हम रोज़ाना ही पर्दे उठाते हैं, और वो नुस्खे, वो उपाय आपको बताए जाते हैं जिनके पथ पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।